संगम में सरकार, संगम में सरकार। आज कुंभ में सीएम योगी ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। माना जा रहा है कि योगी संगम में स्नान करके देश के हिंदू वोटर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा है वो मैसेज संगम में सरकार का? आगे आगे योगी आदित्यनाथ और साथ में पूरी कैबिनेट, आज संगम नोज में डुबकी लगाई इन्होंने। योगी के दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य ने संगम में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मंत्री हल्के फुल्के मूड में भी नजर आए। धर्म, अध्यात्म और सामाजिक व्यवस्था को एक साथ संचालित करने का एक माध्यम है। धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। आस्था के इस महासंगम को एक नई अलौकिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है, वो अपने आप में अद्भुत है और इसलिए सभी लोग एक साथ यहां पर आए हैं। जय श्री राम के नारों के बीच योगी का मंत्रिमंडल संगम में डुबकी लगाकर बाहर निकला। जय श्री राम। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की। संगम स्नान और गंगा आरती के बाद योगी नाथ संप्रदाय कैंप पहुंचे। योगी इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच यहां योगी का स्वागत हुआ। कैंप पहुंचकर योगी ने विधि विधान से पूजा की। इससे पहले योगी ने लखनऊ से बाहर अपनी पहली कैबिनेट प्रयागराज में की। कैबिनेट में योगी सरकार ने प्रयागराज के लिए बड़ा ऐलान किया। यूपी को प्रयागराज से जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा। 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हमारी कैबिनेट ने एक सैद्धांतिक सहमति दी है कि हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे जब बनेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इसमें 6,556 हेक्टेयर लैंड इस एक्सप्रेसवे में लगेगा। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सहमति दी गई। प्रयागराज चित्रकूट के बीच पहाड़ी पर महर्षि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा लगेगी और रामायण पर शोध संस्थान बनेगा। कैबिनेट मीटिंग शुरू होने से पहले योगी मंत्रियों के साथ लेटे हनुमान की पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके बाद वो अक्षय वट और सरस्वती कूप भी गए। चुनावी साल में योगी सरकार ने प्रयागराज में कैबिनेट की मीटिंग तब रखी जब 2 दिन बाद वहां धर्म संसद होनी है, जिसका मुख्य एजेंडा राम मंदिर है। चर्चा थी कि योगी सरकार राम मंदिर पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन स्नान ध्यान पूजा और एक्सप्रेसवे के ऐलान के बाद कैबिनेट वापस लखनऊ लौट गए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।